सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए मायोसुपास टेबलेट्स। मायोसुपास टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज करना चाहिए, कितने दिनों तक यूज करना चाहिए, यूज करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होता है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डाले गए और ये किस प्रकार काम करता है, तो मायोसुपास टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहले ही बार विजिट किए या फिर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं मायोसुपास टेबलेट, जो कि हमारे पास 10 गोली का स्ट्रिप्स है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 136,150 यानी कि 136 रुपये के करीब इसकी MRP है। मायोसुपास टेबलेट्स को वीर मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामचीन कंपनी है, बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाती है। मायोसुपास टेबलेट्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से पैरासिटामोल 325 mg और क्लोजोक्साजोन 250 mg डाला गया है इसके अंदर। मायोसुपास टेबलेट्स का यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज दर्द ड्यू मांसपेशियों में एटन के लिए किया जाता है, यानी कि आपके मांसपेशियों में जो क्रैम्प वगैरह आता है तो उसको ठीक करने के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मायोसुपास टेबलेट्स का डोज के बारे में बात करो तो इसको आप खाना खाने के बाद सुबह शाम एक एक गोली ले सकते हैं, 5 दिन आप इसको कंटिन्यू ले सकते हैं, और इसको लेने से आपको अगर आराम मिल जाए तो ये टेबलेट्स को लेना बंद कर दे। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर की देखरेख में नहीं करें और कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको होगा, आपको डायरिया हो सकता है, दस्त हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो मायोसुपास टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में करें। मायोसुपास टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, मायोसुपास टेबलेट्स के अंदर दो दवाई रहती है, यानी कि पैरासिटामोल और क्लोजोक्साजोन, वो दर्द से आराम दिलाता है और मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। पैरासिटामोल से एनाल्जेसिक्स यानी कि दर्द निवारक और एंटीबायोटिक्स बुखार को कम करने वाला है। यह मस्तिष्क में उन केमिकल मैसेजेस को निकलने से रोकती है जिनकी वजह से दर्द या बुखार आता है। क्लोजोक्साजोन गैर विद्युत विकारी तंत्रिका मांसपेशी अवरोधी घटक नामक दवाई है। यह दवा मस्तिष्क और स्पाइनल कोड के केंद्रों पर काम करके मांसपेशी में जकड़न या मरोड़ से राहत दिलाने पर काम करती है। मायोसुपास टेबलेट्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। मायोसुपास टेबलेट्स को यूज करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें या फिर उनसे एडवाइस ले, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से इस टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो मायोसुपास टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिया है वहां पर बताएं। मायोसुपास टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।